यहाँ पे मैंने ताज़े नारियल को इस तरह बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है। इसका छिलका मैंने निकाल लिया है। अब इसे मिक्सी में ग्राइंड करके ले, नारियल को इस तरह बारीक करके लेना है। नारियल पाउडर को इस तरह कटोरी से मेजर करके ले। यहाँ पे मेरा 2 कटोरी नारियल है, तो हम 1 कटोरी शक्कर और आधा कटोरी फ्रेश मलाई यूज़ करेंगे। नारियल को 2-3 मिनट के लिए भून के ले, ताकि नारियल में जो मॉइस्चर है वो चला जाए। अब इसमें आधा कटोरी फ्रेश मलाई फेंट कर डाले। इसे 2-3 मिनट के लिए भून के ले। मैंने घर के दूध की ही फ्रेश मलाई यूज़ की है। अब इसमें 1 कटोरी शक्कर डाले और जब तक यह मिक्सचर ड्राई ना हो तब तक भून के ले। आप इसमें इलायची पाउडर या ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। बर्फ़ी का यह मिक्सचर पैन को आसानी से छोड़ रहा है, मतलब ये रेडी है। अब गैस बंद करें और इसे एक प्लेट में निकाल ले। इस प्लेट को मैंने पहले से ही घी से ग्रीस कर लिया था। ऊपर से पिस्ता डालकर ऐसे हाथों से दबाएं। इसे अब फ्रिज में आधा घंटे सेट होने के लिए रख दें। आधे घंटे बाद मैंने बर्फ़ी को फ्रिज में से निकाल लिया है। देखिए कितनी अच्छी ताज़े नारियल की बर्फ़ी बनी है। ये बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल मार्केट जैसी। यहाँ पे मैंने ब्राउन ब्रेड यानी कि व्हीट ब्रेड लिया है। आपके घर में जो ब्रेड अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं। उसे आप आपके मनचाहे शेप में चाकू से कट करें। मैंने इसे छोटे टुकड़ों में कट किया है क्योंकि मेरा बेटा भी छोटा है, तो वो इसे आसानी से खा पाएगा। मैंने इस तरह सारे ब्रेड को कट कर लिया है। मैंने ब्रेड के 3 स्लाइसेस लिए थे। अब हम मिठाई के लिए चाशनी बनाएंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 कटोरी शक्कर और 1/2 कटोरी पानी। जितनी शक्कर है उतना ही पानी लेना है। शक्कर पिघलने के बाद इसमें थोड़ा इलायची पाउडर ऐड करें। हमें इस चाशनी को ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ थोड़ा चिपचिपा होने तक ही पकाना है। अब इसमें मैं थोड़ा फूड कलर ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, बट इससे मिठाई को अच्छा कलर आएगा। हमारी चाशनी चिपचिपी हो गई है। अब हम गैस बंद करेंगे। अब एक पैन में घी डालकर ब्रेड को अच्छे से फ्राई करें। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। ब्रेड फ्राई करने के लिए आप घी का ही यूज़ कीजिए, क्योंकि इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अगर आप ये बच्चों के लिए बना रहे हो तो घी तो बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी है। तो मैंने यह सारे ब्रेड को गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई किया है। ये अच्छे से क्रंची भी हुए हैं। यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स को इस तरह बारीक करके लिया है। अब ब्रेड को चाशनी में 15-20 सेकंड के लिए डिप करें। ध्यान रखें कि चाशनी ज़्यादा गर्म ना हो, नहीं तो हमारा ब्रेड नरम होगा। इसलिए चाशनी को थोड़ा ठंडा करके ही उसमें ब्रेड डालें। अब ब्रेड को निकाल लें और इस तरह दोनों तरफ से ड्राई फ्रूट्स पाउडर से कोट करें। आप ड्राई फ्रूट्स की जगह डेसिकेटेड कोकोनट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बच्चों के लिए ये बना रहे हैं तो आप ड्राई फ्रूट्स पाउडर ही यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा लग रहा है और खाने में उतना ही टेस्टी भी है। यहाँ पे मैंने 3 कप मलाई वाला दूध लिया है। दूध में उबाल आने के बाद इसे इस तरह बीच बीच में हिलाते रहिए। हमें दूध को 1/2 क्वांटिटी तक गाढ़ा करके लेना है। दूध की क्वांटिटी 1/2 हो चुकी है, दूध अच्छे से गाढ़ा भी हो गया है। अब इसमें थोड़ा नींबू का रस मिलाए। 1/2 से भी कम नींबू मैंने यूज़ किया है। नींबू का रस डालने के बाद दूध दानेदार होना चालू हुआ है। अब इसमें 2 चम्मच शक्कर ऐड करें, अच्छे से मिक्स करें।
ठंडा होने के बाद ये गाढ़ा बन जाता है, इसलिए थोड़ा पतला ही रखें। अब इसमें हम डालेंगे एक चुटकी येलो फूड कलर, अब थोड़े से बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स भी डालेंगे। तो ये हमारी दूध से बनी मीठी रेसिपी रेडी है। आप इसे ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, या आप ये मिक्सचर एक टिन में भर के उसे बर्फी जैसा भी काट सकते हैं। आप ये कलाकंद की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मुझे कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।